हमने अभी तक प्रोजेक्टाइल की जो प्रॉब्लम की उसमें प्रोजेक्टाइल हमेशा टॉप ऑफ द टावर से फेंका हॉरिजॉन्टली और वो पैराबोला की तरह नीचे लैंड कर गया। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि ग्राउंड से प्रोजेक्शन करवाऊं, मैं ग्राउंड से वी वेलोसिटी से किसी बॉल को फेंकूं और वो ग्राउंड पे ही गिरे, तो अब प्रोजेक्शन ग्राउंड टू ग्राउंड है। वो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो करेगा और देखो यहां से यहां आके गिरेगी, सेम यही कॉन्सेप्ट है, राइट? समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके अंदर अब जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल गिवन सम एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो अगर प्रोजेक्टाइल को आपने इनिशियली जैसे फुटबॉल है हिट किया विद द वेलोसिटी ऑफ वी, ये इनिशियल नेट वेलोसिटी है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंगली इसके दो कंपोनेंट्स है, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। तो आप बॉल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो भाई तू आगे भी जाएगी और तू ऊपर भी जाएगी, यानी कि तू एक्स वाई प्लेन में मूव करेगी। तो आगे जाने की वेलोसिटी आपने कितनी दी इनिशियली, वी कॉस थीटा, और ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या दी, वी साइन थीटा, राइट? क्लियर है यहां तक? अब हॉरिजॉन्टल के अंदर, हॉरिजॉन्टल के अंदर जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हर इंस्टेंट पर, वी कॉस थीटा 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 वी कॉस थीटा। वर्टिकल के अंदर वेलोसिटी इनिशियल क्या है, वी साइन थीटा, डिक्रीज 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 क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है और फाइनल बिकम्स जीरो। फिर नीचे आते हुए इंक्रीज 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 और इंक्रीज। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट? ठीक है यहां तक? अब इसमें कुछ टर्म्स आपको ध्यान से समझनी है। पहली, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होगा, चाहे मिसाइल गिरे चाहे जेवलिन गिरे, जेवलिन भी गिरता है तो ग्राउंड वो ये नहीं देखते कितनी हाइट पे आपने वो भले को फेंका, वो देखते हैं कि कितने ग्राउंड पे दूरी कवर की, तो ग्राउंड से मेजर करते हैं वो कितने मीटर दूर जाके गिरा। तो इस ग्राउंड के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज क्या होता है, जमीनी डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की कहां पे आएगी, या ये भी कम ये भी कम, ये मैक्सिमम है, इसके बाद तो कम ही कम है। तो ये हाइट को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच ऑफ एम, और रेंज को आर। दो चीजें क्लियर है। तीसरी, यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ एसेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय टी वन, ऊपर पहुंचने का टाइम, और यहां से नीचे आने के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट। तो एक टर्म है रेंज, एक टर्म है मैक्सिमम हाइट, एक टर्म है टाइम ऑफ एसेंट, एक टर्म है टाइम ऑफ डिसेंट, और कितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रही टी वन प्लस टी टू, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू व्हाट, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये टर्म्स समझ में आ रही हैं, रेंज टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, इसमें समझने वाली एक ही चीज है और वो है कॉम्पोनेंट्स। कैसे, इसके अंदर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में क्या है, वी कॉस थीटा, वो हर वक्त हर पॉइंट पर आगे जाने की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, वी कॉस थीटा वी कॉस थीटा वी कॉस थीटा। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट ये बताओ, वर्टिकल में वेलोसिटी वी साइन थीटा, आधी जर्नी में, आधी जर्नी यानी कि टाइम ऑफ असेंट में वेलोसिटी क्या हो गया, ऊपर जाने में डिक्रीज, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या हो गई, जीरो, वी साइन थीटा से जीरो। तो वाई एक्सिस में फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, वी साइन थीटा, और वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, जीरो। तो वी साइन थीटा एंड जीरो। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी में जब बॉडी यहां से यहां पे आई तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है नीचे आने में, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। फिर वेलोसिटी इंक्रीज 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 और इंक्रीज, और पता है ये क्या होगी, वी साइन थीटा। ये मैंने बताया था आपको कि जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं उसी वेलोसिटी से वो लैंड करती है,
और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी वी कॉस थीटा। तो जो सिचुएशन फाइनल है वही सिचुएशन इनिशियल होती है। क्लियर है यहां तक? तो यहां से यहां जाने में रिटार्डेशन है, यहां से यहां आने में एक्सेलरेशन है। दो पार्ट अलग अलग जर्नी है, ठीक। तो आपको इसके अंदर क्या आएगा, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। तो एनसीईआरटी के अंदर, स्कूल के अंदर ये डेरिवेशंस आती हैं। तो ये एनसीईआरटी के लिए प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन या कभी स्कूल के अंदर भी जब एप्लीकेशन आती है तो फिर न्यूमेरिकली आएगा सीधा, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का मतलब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। अब मैक्सिमम हाइट का एक्सेस क्या है, वाई की एक्स। मैक्सिमम हाइट किसमें दिख रही है, वाई में। तो इक्वेशन किसमें लगानी है, वाई में, राइट। तो ये बताओ कि फॉर फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ जर्नी, मतलब अगर मैं यहां से यहां पे आ गया, अगर मैं यहां से यहां पे आ गया, तो उस केस में जब मैं यहां से इस पॉइंट से यहां पॉइंट पर आऊंगा, तो मैंने क्या बताया, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, v sin थीटा, और फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल क्या है, जीरो। टाइम यहां से यहां आने में क्या है, t1, और ऊपर जाने में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, माइनस जी, राइट। तो इस केस में मैक्सिमम हाइट में इक्वेशन y एक्सिस में लगेगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट y एक्सिस में होता है। तो क्या लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा हाफ पार्ट ऑफ जर्नी में, और फाइनल वेलोसिटी हाफ पार्ट ऑफ जर्नी में जीरो, एक्सेलरेशन माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट एच एन। तो कोई कहता है इक्वेशन लगा लेते हैं s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पर टाइम तो पता ही नहीं क्या है, टाइम ऑफ परसेंट तो नहीं लगानी, v इज u प्लस at, टाइम फिर नहीं पता, तो फिर क्या लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, इसमें टाइम नहीं आ रहा। तो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल क्या है, इसमें जीरो, इनिशियल की जगह v sin थीटा, एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी, और डिस्टेंस hn। तो ये v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आंसर। तो ये फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो, मैक्सिमम हाइट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी, 2g। तो आपको न्यूमेरिकल में ना ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ग्राउंड टू ग्राउंड न्यूमेरिकल्स में हम शॉर्टकट लगाते हैं, आपको वी गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, आप सिंपल क्या निकालोगे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, आएगा पक्का किसी ना किसी बुक में, जब ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से ग्राउंड गिर रही है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर नेट वेलोसिटी क्या होगी, जीरो नहीं होगी, वी कॉस थीटा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, बॉल ये थोड़ा ना कहती है कि मैं टॉप पे चली जाती हूँ, मेरे सर ने कहा था टॉप की वेलोसिटी जीरो है, मैं रुक जाती हूँ, कि ना मैं आगे जाऊंगी ना मैं ऊपर जाऊंगी, भाई आगे तो जाऊंगी ऊपर नहीं जाऊंगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल तो ना जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल इज वी कॉस थीटा, राइट। कॉमन प्रॉब्लम है ये, फ्लो में बोला जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन सुन, टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्वेश्चन आएगा काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस प्रोजेक्टाइल की, हाफ इंटू एम इंटू वी कॉस थीटा स्क्वायर की हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर की हाफ इंटू एम वी कॉस थीटा स्क्वायर, v cos थीटा स्क्वायर v स्क्वायर। टॉप मोस्ट पॉइंट पर नेट वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा। तो फिर आपने v क्यों बोला, क्योंकि मैंने ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बोला था। तो आंसर इज हाफ इनटू m इनटू v cos थीटा स्क्वायर, v स्क्वायर में। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी सिर्फ v cos थीटा है ना, तो v कैसे आएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन यहां आएगा इनिशियल एनर्जी कितनी है काइनेटिक, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि नेट वेलोसिटी यहां पर क्या है, v, और यहां पर नेट वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। समझ में आ रहा है? तो ऊपर जाती है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, टॉप पे अलग है यहां पर अलग रहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें?